नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे ललितपुर, मोदी योगी सरकार को कोसते नजर आए। ललितपुर बॉर्डर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के हालात बहुत ही खराब है। यहाँ का किसान खाद न मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहा है और सरकार गहरी नींद में सोई है। यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मैं बुंदेलखंड के दौरे पर आया था, तब भी यही हालात थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें MSP पर नहीं बिक रही हैं। जब पत्रकारों ने राकेश टिकैत से पूछा कि सरकार ने कई बार बात करने को बुलाया था, तो जवाब में कहा कि सरकार MSP संशोधन बिल पर चर्चा करने को बुलाती है, लेकिन कानून खत्म करने की बात नहीं करती। सरकार उद्योगपतियों के सहारे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किसान विरोधी सरकार का सफाया होगा। ललितपुर जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर मृतक किसानों से मिलने आए राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत। ललितपुर में देर रात किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने यहां के किसान नेताओं के साथ तहसील पाली क्षेत्र के पंडियाना मोहल्ला पहुंचकर मृतक किसान बबलू पाल के परिजनों से मिले और उनके दुख दर्द को साझा किया तथा सरकार से हर आर्थिक मदद के लिए यहां के अधिकारियों से मिलकर ललितपुर जिले के किसानों द्वारा लगातार हो रही आत्महत्याओं एवं समय पर किसानों को खाद नहीं उपलब्ध हो रहा एवं खाद की कालाबाजारी के संबंध में आज उनसे वार्तालाप करेंगे। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये कह सकते हैं कि वे पहले से जमा है। हाँ, नहीं, आदमी तो बहुत से आदमी भी करते हैं, आदमी के नहीं है मालूम, आप लोग हैं मालूम, तो इसलिए कह रहे कि जमा है। फर्टिलाइजर के उससे जैक भी किसान के घर पे हम गए जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने सुसाइड करा है, उसमें निकल के यही आ कि खाद नहीं मिला, DAP खाद नहीं मिला और उसके अवसर उनकी डेथ हुई। क्योंकि एक ही टाइम में 4 दिन के अंदर ही 5 लोग की होगी, एक की शायद आज हुई है, उसकी भी डिटेल मंगा, तो 6 लोग एक ही जिले से जाना और जिनका उद्देश्य सिर्फ एक है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। दोषी तो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी रहेगा, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर यहाँ पे आया है वो कहाँ गया, वो तो डाटा होगा ना सबके पास में। और ये फिर स्थिति कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, यहाँ के अधिकारी की है, यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं वे हैं, तो सबको जिम्मेदारी है कि उसको निर्वाह करना चाहिए उनको ठीक उससे, मतलब ऐसी अरफातरफी क्यों भी छिड़ी है और फिर उसको कंट्रोल करो आप। मृतक का परिवार का यही है कि खाद की लाइन में थे और उससे टेंशन में थे, तो हमारा किसानों से भी है कि खाद आएगा, प्रशासन से बात करेंगे, लेकिन इस तरह से हताश होने की जरूरत नहीं है कि सुसाइड करे वो करे। एक तो उससे वो ना कोई हताश ना है, और दूसरा सरकार से यह कि तुरंत यहाँ पे भाई फर्टिलाइजर मंगवावे और इनकी पूर्ति कर जाए, उससे वैसे भी नुकसान होगा। अगर खाद नहीं मिलेगा तो फसलें कम होगी, तो क्या बाहर से मंगाने का प्रोग्राम है सरकारों का? किसानों की आत्महत्या की जिम्मेदारी है, बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में यही है कि भाई लोग भी शांति बना कर रखें, इस तरह का कदम ना उठावें, और जिनकी बहुत लोगों की डेथ वहां पर हुई, जो लाइन में डेथ हुई है, वो पूर्ण रूप से 3-3, 4-4 और 8-8 दिन तक लोग जा रहे हैं, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है। पूर्ण रूप से सरकार और अधिकारी फेलियर हुए हैं इसमें। और यहाँ से ये भी पता चला है कि दूसरे स्टेट में फर्टिलाइजर गया है यहाँ से, तो उसको जिम्मेदारी उसकी निगरानी करे, कौन कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है। नहीं कराएंगे, कल अधिकारियों से बात करेंगे हम, यहाँ पर कमिश्नर से अभी भी बात कर रहे थे, बात हुई नहीं, कल हम यहीं हैं और बात करेंगे इनसे, बिल्कुल इसका मामला सॉर्ट आउट करवा जाएगा और जो दिक्कत है इसको सोल्व करवाएंगे, इसको ये बताएंगे यहाँ के अधिकारी से बात करेंगे, कल रहेगी पूरी टीम रहेगी, तो DM से इनसे कमिश्नर से मिलेंगे हम। Bell icon. Never miss an update.